نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وخدامه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان أمره فرطا صدق بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صبر وصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى حسنین ابن علی تو نے سکھایا اہل دنیا کو حسین ابن علی تو نے سکھایا اہل دنیا سجدہ کے لیے سر زیر خندر بھی جھکا دینا سجدہ کے لیے سر زیر خندر بھی جھکا دینا بعد از حمد و ثنا واجب الاحترام برادران اسلام سجدے کی زینت حضرات علماء کرام بزرگوں دوستوں عزیزوں بھائیوں الحمدللہ آج آپ اور میں جامعہ مسجد صوبہ دارالعلوم کے اندر ذکر اہل بیت کرنے واسطے حاضر رہاں دعا ہے اللہ پاک اس ساڈے پاک ذکر دے تصدق دے نال اللہ کریم آپ دے اور میرے گناہ منو معاف فرمائے آمین برادران اسی قدر جمیع علماء کرام سجدے دی زینت نے اور میں اقتدار بیلم دی حیثیت نال اپنے پیر مرشد حضور سیدی وسانہ دی حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ آپ دے درد و جو سبق یاد کر کے آیا ہیں وہ علماء دی بارگاہ اندر پیش کرم گا دعا کرو اللہ کریم میری زبان دے کلمہ الحق جاری فرمانے اللہ میں اور توان مسلم دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمانے اور ویسے تسی سیانے لوگوں بچے سامنے بٹھا دیتے ہیں بندے پیچھا بیٹھے ہو میرا دل اب تجھے سامنے آؤ میں بچے نلکڑ کی گلنا کرنی ہوں ادھر میں دارا با یاد رہے ہوتا سنونا میں تھوڑی تھی محنت کے روشان ہے تاکہ ایک گلد وزن بڑھ جاوے جنہیں چار جی آج بیٹھے ہیں آج میرے گھر آج ہو سامنے بچے تجھے پیچھے ہوتا سبحان اللہ بھی تجھے ہو رہی ہو جاتا تو ہٹی کی سبحان اللہ دیو کی ضرور ہوتا مسئلہ ماشاءاللہ
आज पहली मरतबा आप दे इस पिंड भागवान के अंदर जिक्रे आदि बैत करन दा शर्फ हासिल हो रहा है। बरादराने जी कदर अल्लाह करीम ने तुहान और मेनू ईमान दी दौलत अता फरमाई है। और याद रखो मेरे दोस्तों, अल्लाह हर आले ईमान नो आजमाउंदा है, ऐला चेक करता है, परखता है कि मेरा बंदा मेरी रजा ते राजी है कि कोई ना, बंदा मेरी खुशनुदी ते राजी है कि कोई ना। बरादराने जी कदर याद रखो, जितना बंदे दा ईमान आला होता है इतने ही अल्लाह बंदे को इम्तिहान भी आला है। अगर ईमान कमजोर है बंदे दा, जितना दर्जा इतना बड़ा इम्तिहान, जिस क्लास अंदर उस क्लास का इम्तिहान। मेरे दोस्तों, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, फरमाया कि लोगों का एक गुमान है कि उन्हें कोलो आजमाइश, उन्हें परखिया, उन्हें चेक, उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। फरमाया कि लोगों का गुमान है, लेकिन जेड़ा भी साहिबे ईमान होगा अल्लाह उसको जरूर जरूर आजमा। और अल्लाह दिया आजमाइशा कुरान पाक के अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इरशाद बारी ताला है अल्लाह करीम ने फरमाया, वाला ना बोलो वल्ला कुम बिशैइन मिनल खौफ वल जोए वाला कसम मिनल अमवाले वल अनफुस वस्समरात वबशिर सबरीन लजीना इजा असाबतुहुम मुसीबा सरदार बनाया है।
दोस्तों सा जन्नत उम्मीदवार साडा भी इम्तिहान है ते जिहड़े जन्नत दे सरदार ने अल्लाह ने उन्होंने कोलो कितना बड़ा इम्तिहान है। अरे जिन्ना दी शान जिन्ना दा मुकाम मेरे दोस्तों पकियां पीटियां हदीसा अंदर मकाम मौजूद है। लेकिन मेरे दोस्तों नादान लोगों ने मौजू रिवायत मन गलत रवायत लेके शान अहले बैत बयान कर रहे हैं। बरादरा ने जी कदर आओ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत नो अपने घर वाले नो कितना मकाम अता फरमाया। और मेरे दोस्तों याद रखो घर वाले ने फिर अपनी जिंदगी नो किवें गुजारी। असा शहादत सुन लेते हैं शहादत सुन के चारा सुबह आ देते असा आते हैं हुसैन की जद हक अदा हो गया ना ना मेरे दोस्तों हुसैन की जद हक साल तो बाद जलसा करने नाल हुसैन की जद हक अदा नहीं होता बल्कि हुसैन नो अपनी पूरी जिंदगी अंदर लाया सुबह हो गए तभी हुसैन की जिंदगी के मुताबिक हो गए शाम हो गए तभी रसूलुल्लाह दे नवासियां की जिंदगी के मुताबिक आपने फरमाया ऐ लोगो मैं तुहाडे कोल दो चीजा छोड़ के जा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया भारी चीजा ने सकल ने बड़िया वजनी चीजा छोड़ के जा रहे हैं। कह रहे हैं वाला तो ते मना फलना
बात करते हैं बिरादरी अंदर झगड़ा पै जावे राजी नामे दा वाड़ी आवे होना ते कुरान कह जाओ कसम दी वाड़ी आवे होना ते कुरान ने आईए न्याय दी वाड़ी होना ते कुरान ले आईए बेटा ना के जाए कुरान नु मेला बना लेंगे अरे कुरान कह रहा है लोगो जब मेरी तिलावत करेगा मैंने पढ़ेगा मैं तेरे तन को भी पाक कर देवांगा तेरे मन को भी पाक कर देवांगा आपने बड़ा सुना नक्शा बयान किया आपने फरमाया दरस कुरान हमने ना बनाया होता ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता आपने फरमाया काश के ऐसे कुरान पढ़े आता कुरान के मुताबिक अमल किया होता आज वक्त देखना ना पाऊंगा आज वेला देखना ना पाऊंगा झुका देना हुसैन का दरस
मदीना छोड़ते उते मजबूर हो गया। कूफा दी तरफ को लेटर आए, खुदूतियां लेना था कि ना। आपने फरमाया हुण मेरा जाना जरूरी है। आपने अपने रफका अपने घर वालों नो ना लिया। लोगा दे ने सहाबा नाल क्यों नहीं गए? सहाबा नाल जांदे शरीयत ते दो गल्ला पे दसदी है, एक है हजीमत एक है रुखसत। क्योंकि जालिम बादशाह होवे उते छमणे जेड़ा चुप कर जावे जान बचावे और रुस्तर ते अमल करता है, ते जेड़ा उते सामने डट जावे वो अजीमत ते अमल करता है। शरीयत ने दो राह दिते, सहाबा इकराम ने रुस्तर नु अपना लिया, लेकिन मौला हुसैन जेड़ा जल्दी जवाना दा सरदार उसकी अजीमत नु अपनाया। आपने फरमाया लोगो ए सर कट सकदा है लेकिन बेगैरत के झुक सकदा। सलामी पेश कर रहे अलविदा कह दिता।